अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ मास्क बनाने के हवाले से कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। नॉर्मली हम देखते हैं कि मास्क को हम यूँ प्लेट की मदद से बनाते हैं, लेकिन उसके लिए मसला ये होता है कि हमारे पास कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए। हमारे पास अगर इतना सा पीस अवेलेबल है तो इसमें मास्क हमारे से नहीं बन सकता। आप देख सकती हैं कि ये राउंड शेप में कट नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि थोड़े से कपड़े से किस तरह से मास्क बना सकती हैं। तो आपने कपड़े की विड्थ लेनी है 6 इंचेस तक और इसकी लेंथ लेनी है 10 इंचेस तक, यानी कि 10x6 का एक पीस हमने कट कर लेना है। 10x6 का मैंने ये पीस कट कर लिया है। अब इस पीस पर हम चेपी बुकरम पेस्ट करें या नहीं, तो देखें व्यूअर्स, ये पीस है तो कॉटन का लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सा है, बहुत सॉफ्ट है। अगर हम इसको ऐसे ही इसका मास्क बना लेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं बनेगा। हाँ, अगर हमारे पास थोड़ी हार्ड कॉटन हो, जैसे कि ये वाली कॉटन है, ये वाली कॉटन अगर हमारे पास हो तो हम इस पर चेपी बुकरम पेस्ट नहीं करेंगे, हम इसके बगैर ही इसको बना सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। लेकिन ये कपड़ा चूँकि बहुत सॉफ्ट सा है तो हम इसके ऊपर अब चेपी बुकरम पेस्ट करेंगे। 6x10 के इस पीस पर मैंने चेपी बुकरम को पेस्ट कर दिया है। बहुत मज़े की टिप्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। ये पूरा एक पीस है, इसको पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको सेकंड टाइम फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास 4 फोल्ड्स में पीस आ गया है। आपने ये ध्यान रखना है जो फोल्ड साइड है, फोल्डेड साइड आपकी तरफ हो और जो ओपन साइड्स हैं वो आपके सामने की तरफ हो। यहाँ से आपने 1 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ से भी आपने 1 इंच की तरफ मार्क लगाना है। ये याद रखने के लिए कि ये मार्क कहाँ जाएगा, तो आप ये याद रख सकते हैं कि इस कोने से हम इस कोने के दरमियान मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने मार्क लगाया और यहाँ पे हमने मार्क लगाया, और जो ये हमारी ओपन साइड्स हैं हम इनको तिरछा सा गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हम इनकी गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से इस मार्क को हमने आपस में मिलाना है इस तरीके से। हमारी मार्किंग हो चुकी है, लेकिन इसको कंप्लीट कट करने से पहले आप इसको पिनअप कर लीजिए ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे और कोई कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसकी हम कटाई कर लेते हैं। साइड से हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब वैसे मास्क इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन आजकल भी बच्चियां जो हैं वो अपनी मैचिंग कपड़ों के साथ मास्क को लगाना बहुत पसंद करती हैं, और वैसे भी टीनेज बच्चियां स्टॉलर लगा लेती हैं, स्टॉलर से पहले वो मास्क से अपना निकाब कर लेती हैं। तो अब ये एज ए फैशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके साथ मैं एक बहुत मज़े की टिप शेयर करने वाली हूँ। अब आप थोड़े से कपड़े से भी अपना मास्क बहुत आसानी के साथ बना सकती हैं। देखिए, मेरे पास ये मैंने सेंटर से कट कर दिया है, ये 2 पीसेस आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सेम यही मार्किंग जो है वो बाकी के कपड़े पर भी करेंगे। ये 2 पीसेस हमारे पास फ्रंट के पीसेस आ गए हैं और इसी को हम कपड़े के ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरह से हम इसकी बैक भी कट कर लेंगे। इसकी बैक भी कट हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि ये बैक में कट करूं, मैं इसका ये वाला एक पीस उठाऊंगी और इसे मैं एक हार्ड, कोई गत्ता नुमा चीज़ होगी हमारे पास घरों में, मैंने ये कॉपी का फ्रंट पेज जो होता है अपनी बच्चों की स्कूल की कॉपी का ये फाड़ा है, ये रफ़ कॉपी थी उनकी लास्ट ईयर की,
अब इसके ऊपर हम ये अपना पैटर्न रखकर ड्रॉ कर लेते हैं। इस पैटर्न के ड्रॉ करने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, हम नेक्स्ट टाइम बहुत आसानी के साथ ये पैटर्न रखेंगे और अपना मास्क कट कर लेंगे। हर बार हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि एक इंच हमने कहाँ से मार्क करना था और दूसरे इंच पे हमने कहाँ से मार्किंग करनी थी और गोलाई में कोई भी मसला हमारे पास नहीं होगा। ये देखिए, ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। कि व्यूवर्स, ये मार्किंग मैंने कंप्लीट करके ये अपना पैटर्न कट कर लिया है। अब ये पैटर्न मैं अपने पास रखूँगी, जब भी मुझे मास्क बनाना होगा कपड़े के ऊपर रख कर ड्रॉ करूँगी और बहुत आसानी के साथ मेरे मास्क के लिए कपड़ा रेडी हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन से काम हो जाएगा। और चेपी अगर हमारे पास कम है तो हम चेपी के ऊपर ये रखकर चेपी बुकरम के ऊपर इसको लगाकर चेक कर लेंगे। अब हम पूरे कपड़े के ऊपर, जब से हम ये पूरा कपड़ा लेते हैं, इस पूरे कपड़े के ऊपर जब हम चेपी लगाते हैं तो ये साइड से हमारे पास ये वेस्ट हो जाते हैं, ये इतने इतने पार्ट्स चेपी के। और अगर हमारे पास ये पहले से तैयार होगा तो हम चेपी के ऊपर ये वाला बुकरम, ये पैटर्न रखेंगे, चेपी के ऊपर ये वाला पैटर्न रखकर कट करेंगे और इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे और आराम से कपड़े की कटिंग हो जाएगी। अब मैं इसकी कंप्लीट स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी पैटर्न के ऊपर रखकर मैंने ये बैक के लिए भी टू पीसेस कट कर लिए हैं, इसे भी मैं सेंटर से अलग कर दूंगी। बैक के दोनों पीसेस को हम एक साथ स्टिच करेंगे और फ्रंट के दोनों पीसेस को हम एक साथ स्टिच करेंगे। Thank you.